Dear students, welcome to this lecture of class plus one from the unit redox reaction. हमने last lecture के अंदर oxidation और reduction के बारे में discuss किया था electron transfer concept के base पर, और हम यहाँ पर discuss करेंगे कि जो oxidation और reduction reaction होती हैं ये complementary reactions होती हैं. तो complementary word का क्या मतलब होता है कि जो रिएक्शन साइमल्टेनियसली से होती हैं, जो रिएक्शन साथ साथ में होती हैं, उन रिएक्शंस को हम कम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं. तो देखो ये रिएक्शन साथ साथ में कैसे होती हैं. हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने सोडियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, तो इस रिएक्शन के अंदर सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई. तो ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे हुई, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम आयन बनाया और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन करके क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाया, और ये दोनों आयन आपस में जुड़े जिससे सोडियम क्लोराइड बना. तो अगर हम देखें तो सोडियम लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. और क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है. अब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो तो एटम के ऊपर डिपेंड करेगा. एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दो कितने करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. अब दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, सोडियम से आएंगे. तो हमने देखा कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो रहे हैं. एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पर. हमने सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो सोडियम ऑक्साइड बन गया. सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2O होता है. तो अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो Na चेंज हो रहा है Na पॉजिटिव के अंदर, मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. और जो ऑक्सीजन है O2 है वो चेंज हो रहा है O2 नेगेटिव के अंदर, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है. तो एक ऑक्सीजन के द्वारा दो इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं. तो दो के द्वारा कितने गेन किए जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे. अब ये चार इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, सोडियम से आएंगे, तो फोर Na ले लेते हैं. तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली से हो रहे हैं. तो जितनी भी रिडोक्स रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर दो हाफ रिएक्शंस होती हैं, और ये दो हाफ रिएक्शन कौन कौन सी हैं, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और दूसरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. और इसे समझने के लिए हम कुछ रिएक्शंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास ये कुछ रिएक्शंस दी गई हैं और इन रिएक्शंस के बेस पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द हाफ रिएक्शंस फॉर द फ्लोइंग रिडोक्स रिएक्शन. हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, Fe3 पॉजिटिव 2I नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है और Fe2 पॉजिटिव प्लस I2 बना रहे हैं. तो अगर हाफ रिएक्शंस के अंदर इस तरह से डिवाइड करना हो तब चार्ज देख लेना कि चार्ज में क्या चेंज हो रहा है. थ्री से टू पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो थ्री से टू पॉजिटिव चार्ज कैसे चेंज होगा, जब Fe3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तब ये Fe2 पॉजिटिव में चेंज होगा. जब भी चार्ज डिक्रीज होता है तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिक्रीज होता है. और पॉजिटिव चार्ज की बात करें यहाँ पर, जब भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिक्रीज होगा, और जब भी नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिक्रीज होगा. दूसरा अगर हम देखें तो आई नेगेटिव चेंज हो रहा है आई टू के अंदर, तो दो जो आई नेगेटिव हैं वो क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं और आई टू बना देते हैं. तो फर्स्ट रिएक्शन में गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का, गेन मतलब रिडक्शन, और ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. सेकेंड में लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है. एक एग्जांपल और ले लेते हैं, Zn रिएक्ट करता है 2H पॉजिटिव के साथ और Zn2 पॉजिटिव प्लस H2 बना देता है. अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो Zn चेंज हो गया Zn2 पॉजिटिव में,
कैसे चेंज हो गया? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन है, और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। दूसरा, अगर H पॉजिटिव देखें तो ये H2 में चेंज हो गया, और इसमें क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन है, और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ने सिल्वर आयन के साथ रिएक्शन की, तो एल्यूमिनियम आयन और सिल्वर की फॉर्मेशन हो गई। तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो Al चेंज हो रहा है Al3 पॉजिटिव में, और ये कैसे चेंज होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से चेंज होगा। दूसरा, जो Ag पॉजिटिव है वो Ag में चेंज हो रहा है, और ये कैसे चेंज होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से चेंज होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। इस तरह से कोई भी जो रिएक्शन है उसके अंदर दो रिएक्शन होंगी, और उन दोनों रिएक्शंस को हम अलग अलग कर सकते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट है ये, इस तरह से हाफ रिएक्शंस को अलग अलग करना। हम इस यूनिट के अंदर रिएक्शन की बैलेंसिंग डिस्कस करेंगे, और तब ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इसके अंदर, और ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ले लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और हम सिंपली से इसको कह सकते हैं, छोटे से वर्ड में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं सब्सटेंस, उन सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट हम बोलते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन की, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्लोरीन यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम सेकंड डेफिनेशन ले रहे हैं, और सेकंड डेफिनेशन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, और हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। और Al ने Fe2O3 के साथ रिएक्शन की, और इस रिएक्शन के अंदर Al2O3 प्लस 2Fe की फॉर्मेशन हो गई। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो एल्यूमिनियम चेंज हो गया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन के अंदर। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया? लॉस किया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, एल्यूमिनियम ने डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर देखें Fe2 पॉजिटिव है, और ये Fe में चेंज हो रहा है, तो ये Fe में चेंज कैसे हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से चेंज हो रहा है। तो ये जो Fe है यहाँ पर, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर दो सब्सटेंस होते हैं, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के बेस पर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम कुछ रिएक्शंस का एग्जांपल ले लेते हैं जिनके अंदर हमने ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बारे में बताना है। तो Zn ने 2H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन की, और Zn 2 पॉजिटिव प्लस H2 बना दिया, तो H पॉजिटिव चेंज हो गया H2 के अंदर। तो इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये क्या है? ऑक्सीडेंट है। और Zn ने क्या किया? डोनेट किया इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये क्या है? रिडक्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, FeCN6 4 नेगेटिव है, ये H2O2 के साथ रिएक्शन करता है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और FeCN6 3 नेगेटिव बन जाता है, और साथ में 2H2O की फॉर्मेशन कर जाती है। तो H पॉजिटिव यहाँ पर H के अंदर चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है? एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन को, और एक्सेप्ट करता है वो ऑक्सीडेंट होता है। और 4 नेगेटिव से 3 नेगेटिव चार्ज हो गया यहाँ पर, मतलब इसने क्या किया? डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन,
और जो डोनेट करता है वो क्या होता है, रिडक्टेंट होता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, FeCN6 3 नेगेटिव है और ये 2OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है H2O2 की प्रेजेंस में, और यहाँ पर FeCN6 4 नेगेटिव प्लस 2H2O की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस रिएक्शन के अंदर जो 3 नेगेटिव है ये 4 नेगेटिव के अंदर चेंज हो रहा है, और ये किस तरह से चेंज हो रहा है, बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, और जो डोनेट करता है वो क्या होता है, रिडक्टेंट होता है। दूसरा अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो H2O2 है और ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और इसलिए ये ऑक्सीडेंट है। ये दोनों रिएक्शन अपने आप करके देखनी है। थैंक यू।